वेलकम बैक टू प्रोबुल्स, दिस इज सागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XM के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली ये XM का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है। इसमें हम बात करेंगे कि XM के एप्लीकेशन में बाय ऑर्डर कैसे लगानी है, सेल ऑर्डर कैसे लगानी है, लॉट साइज कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, ट्रेड कैसे क्लोज करना है, हर एक चीज़ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम XM के मोबाइल एप्लीकेशन में। दोस्तों, XM का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमें अपनी ID और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। और अगर आपका XM पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर एंड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो ID और पासवर्ड एंटर करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। नीचे यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं, कोड्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्डर्स। कोड्स में हमें ट्रेडिंग पेयर शो होते हैं, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिस भी पेयर में हमें ट्रेड लेना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट है। अगर आपको न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उस वॉच लिस्ट को आपको नाम देना है और क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करते हो तो अगर आपको इस वॉच लिस्ट में से किसी पेयर को रिमूव करना है तो वो आप रिमूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट्स का। इसमें आप पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेक्स पेयर्स, CFDs ऑन स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, ऐसे कैटेगरी वाइज इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो। आपको जिस भी पेयर में ट्रेड लेना है या जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेना है वो आप इस कैटेगरी में सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप वो पेयर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर्स का। इसमें आपकी ओपन पोजिशंस और पेंडिंग ऑर्डर्स शो होती है, तो जब हम ट्रेड लगाएंगे तब हम उसे देखेंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ पर 3 टैब पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। माय अकाउंट्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल्स होती हैं। वैलिडेशन डिटेल्स में आपकी KYC डिटेल्स शो होती हैं, आपका अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं है। उसके बाद सेटिंग्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेटिंग चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर वॉल्यूम इन लॉट्स, तो जब आप ट्रेड लगाते हो तो वो आपको लॉट साइज में लगाना है या वॉल्यूम में लगाना है, मतलब 1 लॉट 2 लॉट 0.01 ऐसे लॉट साइज में लगाना है तो वो आप इनेबल रख सकते हो, या फिर अगर आपको डॉलर में चाहिए $1,000 $2,000 तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है अकाउंट हिस्ट्री। इसमें आप अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। उसके बाद प्रमोशंस का ऑफर है। इसमें XM के अलग अलग ऑफर्स और प्रमोशंस चलते रहते हैं तो वो आप देख सकते हो और उनका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। उसके बाद मेंबर एरिया का ऑप्शन है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ऑप्शन है, वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। उसके बाद रिसर्च का ऑप्शन है जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल है। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप मार्केट ओवरव्यू देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो। उसके बाद न्यूज़ में भी आप फॉरेक्स के न्यूज़, इंडाइसेस, स्टॉक्स, ऐसे कैटेगरी वाइज न्यूज़ देख सकते हो। उसके बाद XM रिसर्च में आपको टेक्निकल एनालिसिस मिल जाती है। उसके बाद फॉरेक्स प्रीव्यूज मिल जाता है, मार्केट कमेंट्स मिल जाते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ट्रेड आइडियाज़ भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेयर्स हैं और उसकी डायरेक्शन क्या है, बेयरिश है या बुलिश डायरेक्शन है। चार्ट एनालिसिस भी आपको करके यहाँ पर मिल जाता है, तो अगर आप ये चीज़ें समझते हो तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। उसके बाद टेक्निकल समरीज हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर है, XM TV पॉडकास्ट, तो इन फीचर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद माय वैलेट का ऑप्शन है, रेफर अ फ्रेंड का ऑप्शन है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि XM को आप रेफर करके कैसे अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, फीडबैक का ऑप्शन है, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, लॉग आउट। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको XM में कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से ऑप्शन है और उनका क्या यूज है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि XM पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है। जो भी पेयर में आपको ट्रेड लेना है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है और वो उसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है। सपोज मैं मुझे USD में ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर USD सर्च कर रहा हूँ और उसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब हम USD पे क्लिक करके आपको जिस भी पेयर में ट्रेड लेना है उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर उसकी बाय प्राइस क्या चल रही है, सेल प्राइस क्या चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके नीचे आपको चार्ट शो होता है। चार्ट भी आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स। तो जिस टाइम फ्रेम में आपको चार्ट देखना है वो आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो।
नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपकी ओपन पोजीशंस का ऑप्शन मिल जाता है, पेंडिंग ऑर्डर्स का मिल जाता है। तो अगर इस पेयर में आपके कुछ पोजीशंस ओपन या कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग आवर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट कब तक ओपन रहने वाला है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लगाना है तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, न्यू मार्केट ऑर्डर और न्यू पेंडिंग ऑर्डर। तो न्यू मार्केट ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी अभी करंट प्राइस चल रही है उस प्राइस पर हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। और पेंडिंग ऑर्डर मतलब हम अपनी लिमिट प्राइस एंटर कर सकते हैं, किस प्राइस पर हमें बाय करना है, किस प्राइस पर हमें सेल करना है, वो हम प्राइस एंटर करके ऑर्डर लगाएंगे। तो जब मार्केट उस प्राइस पे आएगा तब हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपको बाय ऑर्डर लगानी है या सेल ऑर्डर लगानी है। सपोज मुझे यहाँ पर सेल ऑर्डर लगानी है तो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम सिलेक्ट करना है मतलब लॉट साइज। प्लस पे क्लिक करते हो तो लॉट साइज बढ़ेगी और माइनस पे क्लिक करते हो तो लॉट साइज कम होगी। नीचे आप देख सकते हैं अमाउंट भी यहाँ पर कम ज्यादा होती है 1000, 2000, 3000। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्राइस एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पर प्राइस एंटर करेंगे किस प्राइस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइस एंटर करने के बाद नीचे हमें शो होता है कि एस्टिमेटेड हमारा लॉस कितना होगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा लॉस कितना होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हमें टारगेट लगाना है तो टेक प्रॉफिट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें प्राइस एंटर करने की कहाँ पर हमें टारगेट लगाना है। प्राइस एंटर करने के बाद नीचे हमें शो हो रहा है कि हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने के बाद एक बार वॉल्यूम चेक करके कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है, आपका ट्रेड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑर्डर्स में आप देख सकते हो आपकी ओपन पोजीशन है, जैसे कि यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड लिया है और यहाँ पर सामने हमें शो हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है। अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वो रेड कलर में शो होता है और माइनस में होता है, और अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमें ग्रीन कलर में शो होता है। अगर हम इस पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हमें अगर आपको स्टॉप लॉस कम करना है या बढ़ाना है या टारगेट कम करना है टारगेट बढ़ाना है तो आप यहाँ पर प्राइस आपको यहाँ पर चेंज करना है और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है, आपकी ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगी। तो दोस्तों एक मार्केट ऑर्डर मैंने आपको लगा के दिखाई, अब मैं आपको एक पेंडिंग ऑर्डर भी लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि जिस भी पेयर में आपको ट्रेड लेना है उस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। नीचे हमें प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें न्यू पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें प्राइस एंटर करनी है, किस प्राइस पे हमें बाय करना है या सेल करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि बाय करना है या सेल करना है। सपोज मैं यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाता हूँ तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। नीचे मैं यहाँ पर प्राइस एंटर कर रहा हूँ किस प्राइस पे हमें बाय करना है। तो ये करंट मार्केट प्राइस है और इस मार्केट प्राइस से कम में मुझे बाय करना है तो मैंने वो प्राइस यहाँ पर एंटर कर दी। उसके बाद मैं लॉट साइज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, लॉट साइज मैंने एंटर कर दी। उसके बाद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे अभी भी लगा सकते हो और अगर आपको बाद में लगाना है तो बाद में भी आप लगा सकते हो। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेंडिंग ऑर्डर लग गई। तो ऑर्डर सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी शो होती है कि हमारी पेंडिंग ऑर्डर कौन सी है और ओपन पोजीशंस कौन सी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है तो इस क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लोज पे क्लिक करना है, आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट सागर।